एक बजे तक का मतदान प्रतिशत, 7 बजे से लेके 1 बजे तक का समय बहुत कम नहीं होता, 40% एक एवरेज जो मत प्रतिशत है वो आया है। क्या कारण है कि लोग इतनी अपील करने के बाद भी, जागरूकता फैलाने के बाद भी मतदान के लिए घरों से बाहर निकल नहीं रहे? देखिए मैम, डेफिनेटली ये एक थोड़ा सा निराशाजनक है। 1 बजे तक अगर देखा जाए लोगों में अगर उत्साह है तो 50% को एटलीस्ट क्रॉस कर देना चाहिए। अब की बार देखने से ये लगता है कि ये पॉकेट वाइज लोगों का उत्साह हो गया है। जैसे बंगाल में देखिए, वहाँ की पब्लिक जो है बहुत उत्साही है, 50% से ज़्यादा चला गया। इन जगहों पे जहाँ की लगभग 40% या 50% से कम है, एक फैक्टर वहाँ पे ये हो सकता है। देखिए मतदाता निकलते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के नेता जब मेहनत करते हैं, दोनों तरफ के मतदाता जब उत्साहित रहते हैं तो लंबी कतारें और लंबी भीड़ शुरू से ही लगती है। तो ये चीज तो मानना पड़ेगा कि या तो पक्ष या विपक्ष से कोई ना कोई एक वर्ग जो मतदाता का है उसके अंदर उत्साह की कमी है, या सेकेंडरी सोर्स जो होते हैं, सेकेंडरी सपोर्ट। जैसे आपने देखा होगा कि चुनाव में पार्टियों के प्रत्याशी या उनके कार्यकर्ता घरों से वोटरों को निकालते हैं, सुविधाएं देते हैं, बूथ तक लेके जाते हैं, जलपान व्यवस्था वगैरह कराते हैं। अगर इस तरह के सपोर्ट की भी कमी होती है तो वहाँ पे भी मतदाता कम निकलते हैं। मुझे लगता है सपोर्ट सिस्टम चुनाव आयोग की तरफ से पूरी रखी गई है। चुनाव आयोग किसी को बूथ तक ले जाने का सपोर्ट या व्यवस्था नहीं करता है, पार्टियों के कार्यकर्ता जरूर करते हैं। आपने भी कहा था कि अगर राजनीति का स्तर उठे तो कहीं ना कहीं उसमें कमी है। अगर राजनीति का स्तर अगर हम बेहतर बना पाए, राजनीतिक पार्टियां इसे बेहतर बना पाए तो कहीं ना कहीं इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इस इत्तेफाक नहीं रखते आप? नहीं नहीं बिल्कुल। देखिए अगर सारी राजनीतिक पार्टियां मिलके माहौल को इस तरीके से बनाए, मुद्दे को इस तरीके से बनाए कि वोटरों में एक उत्साह हो एक लक्ष्य को लेकर के, क्योंकि कई पार्टियां हैं, बहुदलीय व्यवस्था है, और उसमें से अगर कई पार्टियां या कई दल अपने एक वर्ग विशेष अपने फेवर वाले मतदाताओं के अंदर उत्साह नहीं भर पाते हैं तो मतदाता ये सोचता है कि भाई हमारी तो लहर है नहीं, हम जीतेंगे नहीं, वोट देंगे तो क्या फायदा, नहीं देंगे तो क्या फायदा। तो ऐसे में अगर 15-20% 10% भी मतदाता डिमोरलाइज हो गए, घर में बैठ गए, ऐसे थॉट उनके पास आ गए, तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा नुकसानदायक।